आज शाम पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित कस्बा सेक्टर में बारूदी सुरंग की चपेट में आ जाने से एक 25 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया और उसका एक पांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सेना द्वारा प्राथमिक उपचार करने के उपरांत घायल को पहुंचाया जा सकते हैं सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की पहचान मोहम्मद जावेद पुंछ शरीफ निवासी कस्बा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब मोहम्मद जावेद गांव के बाहर अपनी भी बच्ची चरा रहा था कि अचानक किसी बारूदी सुरंग पर उसका पांव गिर गया, वह जिसमें विस्फोट हो जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वही राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत उसे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। इंजरी है ये जो कस्बा में हो गया है। पेशेंट का नाम है मोहम्मद जावेद, जो कि 3:30 बजे के करीब वहाँ पे उसको इंजरी आई है और उसको यहाँ पे लाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। तो हमारे हॉस्पिटल में अभी बहुत ज़ेरे इलाज है। अभी क्या कंडीशन है? अभी तो नहीं कह सकते कि उसकी राइट लेसेटेड बोन आया है, उसको लाइट लेग में बड़ा डील भी कर रहा है, अभी पता नहीं है, लेकिन अंडर ट्रीटमेंट है अभी वो। एक बड़ा एक दुखा मसला हुआ आज तकरीबन 2 दिन से, कल शाम से बरसात बहुत बड़ी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा कस्बा ऊपर पंचायत मलासा की वाला में एक रास्ता जंगल साइड में जा रहा था, कहीं से एक मेन फिसल के नीचे आ गया, उसकी वजह से एक जावेद इकबाल सनम मोहम्मद शरीफ की एक टांग हो गया, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया। गरीब फैमिली से बचा था और खास तौर पर मैं यहाँ पे इंडियन आर्मी का भी बड़ा शुक्र गुजार हूँ, क्योंकि वो हमेशा हर वक्त ऐसी कोई परेशानी होती है हमारी सपोर्ट करते हैं, और खास तौर पर हमारी किसी मसले में भी कहीं अगर किसी को परेशानी होती है उसमें सपोर्ट करते हैं। और मैं खास तौर पर आपके चैनल की वजह से मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे गरीब फैमिली से उसको आके कुछ क्लेम तहसीलदार साहब को भेजें, कुछ क्लेम किया जाए, क्योंकि आज देखो रोडों की बड़ी बुरी हालात है। अगर रोड वहां पे होती तो जितना ब्लड खून निकल जाता है लोगों के यहाँ लाने तक, हॉस्पिटल लाने तक बहुत नुकसान होता है। और एम्बुलेंस के लिए अभी हमने बताया एम्बुलेंस पहुंचने वाली है, और खास तौर पर मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि हमारी बात ऊपर तक बन जाए। गरीब लोगों को फायदा होना चाहिए कि अगर रोड वहां पे जाएगी तो वहां से कैरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे एरिया में रोड नहीं है क्योंकि अच्छा के ऊपर ले जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे लेना पड़ता है, 2-3 घंटे हमारे वहां पे लग जाते हैं। तो हमारी ये बात ऊपर तक पहुंचाए, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम मोहम्मद बशीर, मैं इंडियन आर्मी की तरफ से आया था। आज ये जो कस्बा में जो एक्सीडेंट हुआ है मैन कैजुअल्टी की वजह से, उसके लिए मुझे इंडियन आर्मी की तरफ से 20,000 रुपये दिया गया था कि इनकी मदद करने के लिए, वही इनकी मदद करने के लिए आया था, इसलिए इंडियन आर्मी का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।